सो हेलो ऑल गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल फैमिली मेंबर्स। सो अभी आप लोग देख सकते हो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है और अभी रोशनी जी काम कर रही है घर पे। सो अभी कॉल भी आया है किसी का, सो देखते हैं कौन कॉल किया है। सो मेरा मोबाइल तो अभी ब्लॉगिंग कर रहा है और रोशनी जी का कॉल आ रहा है, शायद न्यू नंबर है, देखिए ना कौन कॉल किया। तो दोस्तों ये रिंगटोन तो आप लोग सुने होंगे, लगभग सभी का मोबाइल में यही रिंगटोन है, मेरा में भी यही है। और अभी आईफोन तो गाइस मिला नहीं है, आप लोग आईफोन के बारे में आज को बात करेंगे इस ब्लॉग में काफ़ी ज़्यादा। सो अभी आप लोग को बहुत दिन से रूम भी नहीं दिखाएं, रूम भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले रोशनी जी को कॉल आया है तो उसको बात कर लेने देते हैं, फिर आप लोगों के साथ मिलते हैं। सो चलिए दोस्तों, आप लोग तभी के लिए बने रहिए। सो दोस्तों अभी आप लोगों को हम लोग आज दिखाएंगे हमारा ड्रीम हाउस बहुत दिनों के बाद, तो उससे पहले अभी दिखा रहे हैं हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। सो चलिए अभी चलते हैं सबसे पहले किचन पे। तो किचन पे अभी हो रहा है जो चीज़ वो आप लोगों को मैं अभी बैक पे दिखा रहा हूँ। सो चलिए दोस्तों आप लोग अभी बने रहिए। सो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे रोशनी जी अभी काम काज में लगी हुई है। तो यहाँ पे जो है ये वाला जो सब्जी रखने वाला है इसको अभी चेंज किया जाएगा, अभी न्यू वाला रोशनी लेके आई है दुकान से। सो इसमें अभी क्या क्या रख रही है अभी आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो नीचे पे इसका सब आलू आ रहा है। तो हम लोग एक ही बार में सारा सामान घर का राशन एक ही बार में महीने का पापा जी मंगा लेते हैं ना, महीने का नहीं है ये, नहीं और है। हाँ, सारा राशन महीने का आता है, राशन एक ही बार में महीने का आता है हमारा। उसमें ऊपर में प्याज देख सकते हो, वीडियो में बहुत कम आता है, गंदा किचन। हम लोग साफ रखते हैं फिर भी हम लोग का घर में बहुत ज्यादा सामान है, इसीलिए हम लोग का किचन में भी नहीं हो पाता है। यहाँ पे हम लोग बर्तन वगैरह रखे हैं, देख सकते हैं ये सब फूल है क्योंकि घर में ही बर्तन का दुकान है तो सब सामान डबल हो जाता है, देख सकते हो सभी में बर्तन है, फूल है ये सब चीज। यहाँ पे भी बर्तन है, ये सब अभी मम्मी तो 10 दिन से नहीं है, आज ये वाला सारा हटा देंगे। यहाँ पे कुछ पूरा स्लैब को खाली कीजिए, किसे कैसे दिख रहा है, इतना अच्छा घर है गाइस देख सकते हो आप लोग, बट अच्छा नहीं दिख रहा। और ये घर में अंधेरा है जरा इसीलिए दिख रहा क्योंकि ये वाला बॉल जो है हल्का फ्यूज हो गया, हल्का जल रहा, ये सब तो ठीक जल रहा सब ऊपर का आप लोग देख सकते हो। और पापा जी का एक आदत सब्जी, मतलब एक बार सब्जी आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा सब्जी है गाइस, फिर भी पापा जी सब्जी कुछ ना कुछ लेते रहेंगे। देख सकते हो यहाँ पे बैंगन है, फूलगोभी है इतना सारा, और यहाँ पे सीम है देख सकते हो, और आप लोग को दिखा रहे हैं यहाँ साग है, बहुत तरह का साग है यहाँ पे, मिर्ची है, टमाटो है, सब चीज़ है दोस्तों। लेकिन फिर भी पापा जी को लेने का आदत है, फ्रिज लग क्यों नहीं रहा है, तो फ्रिज लगा दिए है। आज पूरा किचन क्लीन होगा, ये प्याज धूप में देना, ये देख सकते हो कितना ज्यादा प्याज है, ये छोटा छोटा, ये सबको मैं सोच रहा लगा दूंगा ना, हो जाएगा बड़ा बड़ा साइज का। और दोस्तों आप लोग को हमारा ड्रीम हाउस का किचन कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। और ये जो आप लोग देख सकते हो फ्रिज के ऊपर वॉलपेपर, ये मैंने ही सेट किया है ऑनलाइन मंगा के, क्योंकि ये मतलब उन पुराने घर का फ्रिज है तो न्यू फ्रिज लेने का काम नहीं पड़ा है, क्योंकि ये अभी 5 साल हुआ अभी भी काम अच्छा ही करता है। और ये हमारा यहाँ का बेसिन, यहाँ पे आप लोग पेड़ मतलब क्या कहता है मनी प्लांट का यहाँ पे लत देखे होंगे, बट वो अभी मैं खोल के रख दिया हूँ क्योंकि गंदा हो गया था, इस सबको धो के फिर से इस सबको अप्लाई कर देंगे आज को। और अभी आप लोग को ड्रीम हाउस में अभी है कौन कौन वो दिखाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आ गए हैं ये वाले रूम पे, तो यहाँ पे देख सकते हो दीदी और मेरी भांजी, आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यारी दिख रही है, क्यूट मामा स्माइल गाइस, ये कैसे देख सकते हो स्माइल कर रही है, तो गाइस ये कितना ज़्यादा प्यारी दिख रही है। और इसको आप लोग बहुत दिन बाद ब्लॉग्स पे देख पाए होंगे दीदी को भी, क्योंकि हम लोग का मोबाइल खो गया है, काफ़ी ज़्यादा सब कोई अपसेट थे, बट YouTube चैनल जैसे ही घूमा दीदी का तो मतलब मत बोलिए पूरा ज़्यादा हैप्पी हो गई। तो दीदी के सामने आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग, बहुत कोई बोल रहे थे कमेंट्स में क्या ये सब नाटक कर रहा, मोबाइल वोबाइल चोरी नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और हमारा मोबाइल ओरिजिनल में हरा गया है, मैं गूगल टीम से बात करके चैनल रिकवर कोई तरीके से कर लिया हूँ आप लोगों के लिए, सिर्फ फोन गया तो उतना नहीं, बट चैनल भी चल गया था ना, इसलिए सबको एकदम ज्यादा ही हो गया था। हाँ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। सो चलिए चलते हैं अभी हमारे रूम पे,
तो अभी देख सकते हो हमारा रूम अभी रोशनी साफ की, और बहुत दिनों के बाद अभी आप लोग देख सकते हो दोस्तों मैं कौन सा मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा, देख सकते हो ये आईफोन नहीं है। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ड्रीम हाउस कैसा दिख रहा है, आप लोग बताइए दोस्तों। ये पूरा जो दीवार है इसमें तो आप लोगों को पता है हम लोग टाइल्स लगवाए थे, पूरा टाइल्स है इसमें दीवार में, और ये सिल्वर प्ले बटन आप लोगों का प्यार से यहाँ पे अभी लगा हुआ है, और ऊपर में घोड़ा जो कि लकी माना जाता है सुबह उठ के देखने से, इसीलिए मैंने ये अपने रूम पे अप्लाई किया था। और इधर पे देख सकते हो टेडी बियर कितना सारा है, चार है और एक था, तो हम लोग का घर का जो पेट है वो एक फाड़ दिया था। सो अभी आप लोग सोच रहे होंगे हमारा घर का पेट गया कहाँ, तो हम लोग का घर का पेट जो है वो मैंने किसी को रखने के लिए दिया है, क्या तो विक्की भैया को हम लोग रखने दे दिए, क्योंकि उसका केयर नहीं कर पा रहे थे उतना अच्छा से, क्योंकि रोशनी बोली रही है अभी हम लोग कुछ शॉपिंग किए हैं, वो दिखाएगी रोशनी जी आप लोगों को। विंटर शॉपिंग चलिए दिखाइए एक एक करके, अलमारी का हाल देख सकते हो, रोशनी का अलमारी देख सकते हो गाइस, मेरे पास एक भी अब साड़ी नहीं है, सारा खत्म, टाटा बाय बाय, सब इसमें डाल दिए हैं। ये वाला अलमारी में मैं तिजोरी में ना, और मेरा वाला देख सकते हो कैसे हालत में रखता है, हम बगा के टांग के रख दिए थे, ठीक है आरएस पहनता फिर जैसे तैसे रख देता था। अच्छा हम ही समेटे थे, ठीक है उस बार हाँ तो आप समेटे थे, उसका हो गया तो सत्यानाश फिर हम समेटे। अच्छा तो चलिए कल का जो शॉपिंग है वो दिखाइए फैमिली लोगों को। सो दोस्तों एक जरा आप लोग बने रहिए क्योंकि कैमरा क्वालिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको सेट कर लेता हूँ। सो दोस्तों अभी आप लोग को रोशनी जी दिखाएगी वो क्या क्या कल शॉपिंग की है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो ये है बाबू का, ये विंटर का शॉपिंग है, विंटर शॉपिंग थोड़ा बहुत पापा जी का, और से ये देख सकते हो ऋत्विक का इनर, और दो इनर ऋत्विक का, और ये पैंट, एक पैंट नहीं मिला तो एक ही पैंट है, और अभी आप लोग को दिखा रहे हैं ये आरएस का इनर, ये मेरा इनर देख सकते हो दोस्तों, ये एक रहा और एक मैं पहना हुआ हूँ, आप लोग को दिखा देता हूँ, ये पापा जी का है, ये पापा जी का है, आरएस का और पापा का साइज एक ही, सेम साइज, ये आरएस का टोपी क्या है, ये मेरा टोपी एक और एक कहाँ है बाहर में है ना, दो टोपी मंगाए हैं, ये इनर का पैंट, ये भी इनर का पैंट, इनर का पैंट, ऋत्विक का सॉक्स, ऋत्विक का देख सकते हो सॉक्स, मोजा, ऋत्विक का टोपी, ये मेरा इनर, ये रोशनी का इनर, पर हमको ये छोटा लग रहा है, ठीक होगा नहीं पता आपका वही साइज ही 80 सेंटीमीटर है ये, सो हो जाएगा। और ये क्या है, ये ऋत्विक का हम बोले थे हुडी लाए तो हुडी का बदले ये ला दिया है। देख सकते हो ये पैंट क्या है, इनर पहनेगा इनर के ऊपर ये पहनेगा, क्योंकि हाँ। इनर पहन के अच्छा नहीं लगता है। और एक ये टी शर्ट, ये कॉलर वाला ये हुडी नहीं है, टी शर्ट ही है दोनों। सो दोस्तों अभी आप लोगों से हम लोग बात करेंगे फ्रंट पे आके, तो आप लोग बने रहिए अभी। सो दोस्तों आप लोग को और एक चीज बताना हम लोग भूल ही गए हैं, क्या मम्मी अभी घर में कितने दिन से नहीं है, 10 दिन हो गया हाँ। मम्मी 10 दिन फर्स्ट टाइम इतना दिन कभी बाहर रही है लाइफ में, तो वो बता नहीं सकते अभी। सो मम्मी अभी नहीं आ सकती है क्योंकि अभी जो है कुछ अच्छा होने वाला, इसीलिए मम्मी कहीं गई हुई है। सो आप लोग को बताएंगे, बोले थे ना आगे वाला वीडियो पे ही जो एक गुड न्यूज है वो आप लोग को बताएंगे, सो बाद में बताएंगे वो गुड न्यूज। तो सबसे पहले अभी हम लोग बैठ जाते हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, और ज्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे यही ब्लॉग, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं रहने वाला है क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो बात करने के लिए आए हैं। तो बात यह है कि हम लोग का जो आईफोन है वो आप लोग तो सुने ही थे जो चोरी हो गया, हरा गया है, बट उसका पता धीरे धीरे चल रहा है। सो धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब यह है जो वो मोबाइल हम लोग को मिल जाएगा 20,000 रुपया डिमांड, 25,000 रुपया डिमांड कर रहा है। सो 25,000 रुपया मैं जैसे ही कैश दूंगा तो मेरा हाथ में वो मोबाइल आ जाएगा, बट मैं वो मोबाइल नहीं लेने वाला हूँ क्योंकि उसमें मेरा जो है डिस्प्ले पूरा टूट गया था, बैक पैनल भी पूरा टूटा हुआ था, एक कैमरा भी टूटा हुआ था, तो बनता ही नहीं था। तो उसके लिए मेरे को ये नहीं है, तो मैं 20,000 तो नहीं, मैं बोला था उसको लास्ट 20,000 दूंगा, 20,000 22,000। सो अगर एक्सेप्ट करे तो ठीक है, कॉल आएगा, नंबर पाया है कहीं से, तो देखते हैं अब क्या होता है। तो आईफोन तो आसपास का ही कोई लिया है ये पता कंफर्म हो गया, क्योंकि
आप लोग को अभी नहीं बताएंगे दोस्तों, जैसे ही फोन मिलेगा उसके बाद आप लोग इस बारे में बात करेंगे। सो आप लोग को दोस्तों यही बताना चाहेंगे, अपना मोबाइल जो है वो अच्छे तरीके से रखिए, नहीं तो कहीं से भी किसी का भी हाथ में लग जाएगा और आपको फालतू का परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सो जैसे कि अभी मेरे को हो रहा है, तो यही बोलना चाहते थे, अभी मोबाइल जैसे ही मिलेगा तो हम लोग को एक अच्छा सा फीलिंग्स आएगा अंदर, और नहीं भी मिला तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ तो लगभग रिकवर हो गया है। और एक आईफोन लेने का हम लोग सोच रहे हैं, बट मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा, रोशनी बोरी एक आईफोन लेंगे, किस्त में लेंगे, किस्त में ना। सो देख रहे हैं सौरभ भैया से बात करके, और अगर मिल जाए किस्त में सो किस्त में एक आईफोन ले लेंगे। सो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देख सकते हो ये प्यारी को, खाली घूमेगी, आप लोग ले जाओ। चलिए दोस्तों, दीदी टाटा कर दो, टाटा, बाय बाय, बाय बाय, फिर मिलेंगे कल।